कसौटी जिंदगी की प्रेरणा पहुंच चुकी है फार्म हाउस। वो नहीं होने देगी वो अनर्थ जो वो नहीं चाहती। सोनालिका चाहती है किसी भी हाल में अनुराग के बच्चे की माँ बनना, ताकि अनुराग अपना सारा ध्यान प्रेरणा से हटा के सोनालिका पर रख दे, और इन सारे अनर्थ को होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है प्रेरणा। ये सब कुछ कैसे होता है, आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए वो बताते हैं। शो में आप देखेंगे शुरुआत में प्रेरणा और सोनालिका की कन्वर्सेशन, यहाँ पे कैसे प्रेरणा उसे बातें सुना रही होगी, कैसे सोनालिका उससे बहस कर रही होगी, और यहाँ पर बहुत कुछ होने के बाद प्रेरणा बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से निकल देती है। आप देखेंगे घर पहुंचकर प्रेरणा के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर वो ऐसा क्या करना चाहती है, कोमलिका इस बार ऐसा क्या स्टेप लेना चाहती है जिससे वो अनुराग की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी, प्रेरणा को दूर कर देगी, ऐसा क्या करना चाहती है। ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता है और शिवानी से बात कर रही होती है। और आज के एपिसोड में आप प्रेरणा और अनुराग का एक क्यूट सा कन्वर्सेशन देखेंगे। दोनों फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, ऐसे में अनुराग प्रेरणा को जलाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा तुम फ़ोन रखो, सो जाओ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। प्रेरणा को लगेगा इतनी रात को, अनुराग उसे कहेगा चांद से बातें कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अनुराग कहेगा तुम कल घर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। प्रेरणा उस सरप्राइज़ के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो अनुराग कहता है सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ रहने दो। दूसरे दिन प्रेरणा सीधे घर आती है और घर आकर यहाँ पर देखती है अनुराग एप्रन पहनकर किचन में कुछ कर रहा है। प्रेरणा को लगता है ये क्या हो गया। अनुराग उसे बताता है कि वो उसके लिए लड्डू बना रहा था। प्रेरणा और अनुराग दोनों एक सोफे पर बैठते हैं, वहाँ अनुराग उसे वो लड्डू दिखाता है और प्रेरणा को टेस्ट करने को बोलता है। ये सारी चीज़ें ऊपर से कोमलिका देख रही होती है, यानी सोनालिका देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, अनुराग हमेशा प्रेरणा प्रेरणा करता है, प्रेरणा के लिए किचन में जाकर लड्डू बना रहा है जो उसने कभी सोनालिका के लिए किया भी नहीं। और ये बात सोनालिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चाय पी रही होती है और देख रही होती है, यहाँ पे अनुराग अपने हाथों से एक लड्डू प्रेरणा को खिलाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है सोनालिका को, और वो ऊपर से वो चाय का कप गिरा के हट जाती है। अनुराग को प्रेरणा चौंक जाता है। एक्चुअली सोनालिका उन दोनों के इस क्यूट मोमेंट को ख़राब करना चाह रही थी और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। अनुराग और प्रेरणा जहाँ इतने अच्छे से रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे, अनुराग अपने हाथों का बनाया हुआ लड्डू उसे खिला रहा था, और अचानक से दोनों चौंक जाते हैं। देखते हैं ऊपर से कप गिरा है, ऊपर देखते हैं तो कोई नहीं रहता क्योंकि सोनालिका वहाँ से हट जाती है। प्रेरणा को यकीन हो जाता है ये सोनालिका है, पर वो बात को टाल के अनुराग को कहती है कि किसी ने रेलिंग पर वो कप रखा होगा और गिर गया। अनुराग को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे इस घर में। खैर वो देवबुदा को बुलाने चला जाता है ताकि वो जगह चीज़ें साफ़ कर दे, और प्रेरणा वहाँ से उठकर सीधे सोनालिका के रूम में जाती है। वहाँ जाकर सोनालिका को कहती है ये कप गिराने की आदत कब बंद करोगी, तुम ये सब करने की आदत तोड़फोड़ करने की कब बंद करोगी। सोनालिका यहाँ और चढ़ जाती है, उसे बहुत कुछ जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर सोनालिका जिस कॉन्फिडेंस से चीज़ें कहती है उससे प्रेरणा को डर लग जाता है। जहाँ प्रेरणा आज तक इतनी स्ट्रांग थी, आज जो सोनालिका ने कहा वो प्रेरणा का दिल दहला देता है। सोनालिका कहती है तुम हमेशा इस बच्चे को माध्यम बनाती हो अपने अनुराग के लिए, हमेशा इस बच्चे की वजह से अनुराग तुम्हारे पास है, क्यूटी पाई कहता रहता है, उसके लिए लड्डू बनाता रहता है, और अब मैं पैदा करूँगी अनुराग का बच्चा। ये बात सुनकर प्रेरणा टेंशन में आ जाती है। सोनालिका उसे कहती है तुम्हें रोकना है तो रोक लो प्रेरणा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस। ये वही फार्म हाउस है जहाँ पे प्रेरणा और अनुराग एक हुए थे। प्रेरणा को वो सब कुछ याद आता है, और यहाँ पर सोनालिका कहती है हम पूरी फैमिली और साथ में अनुराग उस फार्म हाउस पे जा रहे हैं जो बहुत खूबसूरत हो गया है, और वहाँ पर मैं अनुराग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी, उसकी पत्नी बनने की कोशिश करूँगी, और जल्द ही वहाँ से लौटूँगी तो सबको इस बात की खुशखबरी दूँगी कि जल्द ही बासुवाड़ी का वारिस आने वाला है, यानी सोनालिका प्रेग्नेंट होने वाली है। प्रेरणा ये बात सुनकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इसमें कहीं से भी अनुराग की गलती नहीं है। उसे नहीं पता है वो पिछले दो साल, उसे तो इस वक्त ये पता है कि सोनालिका उसकी पत्नी है। ऐसे में अगर सोनालिका ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगी तो शायद अनुराग भी वो सब कुछ कर ले जाए। ये बात सोचकर प्रेरणा बहुत टेंशन में आती है। सुबह प्रेरणा फिर से बासुवाड़ी पहुँचती है और यहाँ देखती है बहुत सारा सामान पैक है, सब लोग बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, तो उसे पता चलता है सब लोग उस फार्म हाउस के लिए निकल रहे हैं। प्रेरणा बहुत टेंशन में आ जाती है, वो सीधे ऊपर रूम में जाती है। प्रेरणा को इस तरह टेंशन में देखकर अनुपम को समझ में आ जाता है कि प्रेरणा क्यों परेशान है। मौलाय सीधे प्रेरणा को पूछते हैं बेटा क्या हुआ। प्रेरणा कहती है नहीं काका बा सब ठीक है, और वो ऊपर जाती है और बहुत टेंशन में आती है। उसे लगता है वो कैसे अपने अनुराग को रोके। और इधर मोहिनी और सोनालिका पूछिए मत, ये सारी चालें वैसे मोहिनी की ही हैं,
मोहिनी सोनालिका को प्यार से पूछती है, तुम खुश तो हो? सोनालिका कहती है, यस मॉम। और सब लोग अपना अपना सामान लेके निकल रहे होते हैं, सब लोग गाड़ी में सामान रखते हैं, और सोनालिका को पता है कि प्रेरणा के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, प्रेरणा की ज़िंदगी में इस वक्त जल्दी कितना बड़ा तूफान आने वाला है, और वो बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही है प्रेरणा कब आएगी, ताकि उसे और जलाने का मौका मिल सके, उसे और चार बात सुनाने का मौका मिल सके। ऐसे में आप देखेंगे प्रेरणा भागी भागी बाहर आएगी, वो अनुराग को रोकने की कोशिश करेगी, पर अनुराग नहीं रुकेगा क्योंकि मोहिनी उसे रुकने नहीं देगी, और सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं फार्म हाउस के लिए। प्रेरणा बहुत परेशान है, उसे लग रहा है कहीं वो अनर्थ ना हो जाए, कहीं अनुराग सोनालिका को अपनी पत्नी का दर्जा ना दे दे, कहीं सोनालिका सच में प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो बहुत परेशान है, और ऐसे में वो घर पहुँचती है, उसका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। ऐसे में उसे एक आइडिया सोचता है, वो उस फार्म हाउस के रिसेप्शन पर फ़ोन करती है, और वहाँ पे कहती है, मैं अनुराग की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, और उन्होंने कहा है लाइट ऑफ करने को, लाइट काट देने को, और सच में लाइट काट दी जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मोहिनी प्रेरणा को फ़ोन करती है और कहती है वहाँ से कोई इलेक्ट्रीशियन भेजो। प्रेरणा सीधे शब्दों में जवाब दे देती है कि इतनी दूर कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं जाएगा। तो मोहिनी प्रेरणा को कहती है, तुम इलेक्ट्रीशियन को लेके आओ साथ में। प्रेरणा यही तो चाहती थी, वो चाहती थी वहाँ पहुँचना और वो गलत काम, वो अनर्थ होने से रोकना। ऐसे में आप देखेंगे प्रेरणा एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर उस फार्म हाउस पे पहुँच जाएगी जहाँ अनुराग, सोनालिका, मोहिनी, निवि और अनुपम सब लोग हैं, मिस्टर मोलॉय भी हैं वहाँ पर। ऐसे में आप देखेंगे वहाँ प्रेरणा पहुँचती है और प्रेरणा यहाँ पर वो अनर्थ होने से रोक लेती है। अब सोनालिका वहाँ पे प्रेरणा को देखकर, सोनालिका को तो आग लग जाएगी। आई एम श्योर अनुराग ऐसी गलती नहीं करेगा, इस बात को इतने यकीन के तौर पर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अनुराग को सोनालिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रेरणा ये सब कुछ होने से कैसे रोकेगी, क्योंकि आप देखेंगे पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजाया गया है, अनुराग और सोनालिका के रूम को फर्स्ट नाइट के रूम की तरह सजाया गया है। ऐसे में प्रेरणा ये सब कुछ कैसे रोकेगी, अनुराग को क्या बताएगी, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।